हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम लोग भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त हैं आप लोग को दुआ आशीर्वाद से। और स्वागत है आप लोगों को हमारे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहा है 8:30, तो अभी हम इसलिए बता रहे हैं टाइम कि हम अभी एक घर से काम करके आ गए, और काम करके आ गए तो बरसात हो रही थी, लेकिन आज धूप निकला है, खूब बढ़िया मौसम। देख सकते हैं बेड बिस्तर सरियाए नहीं है, कपड़ा लता फैला हुआ है। देख सकते हैं कुर्सी उर्सी में कपड़ा सूख रहा था पंखा में, तो अभी सब सरियाएंगे। घर और सब बिखरा हुआ है, मेरा बेटा चल गया स्कूल, तो स्कूल चल गया। अब देखते हैं इसका रूम का क्या है, ये भी बहुत काम बढ़ा देता है। देख सकते हैं ये भी ऐसा काम बढ़ा देता है मेरा कि बेड उड नहीं सरियाया है। और यहाँ रांची में बारिश होता है तो बस ठंडा लगता है, तो बेचारा अपना वो भी कंबल ओढ़ा था। डेगची में दूध था तो ये खाया होगा दूध चूड़ा। तो दोस्तों ये भैया भाभी लोग नीचे रहते हैं तो गेहूं धो रहे हैं लोग। हम लोग छत में रहते हैं ना, तो छत में गेहूं फैलाने आ गए लोग अचानक से। हम अभी बाहर बाहर झाड़ू मारते हैं। तो दोस्तों नीचे का भैया भाभी लोग आए थे इधर, गेहूं सुखा लिए, नीचे में रहते हैं हम लोग। गेहूं सुखाए हम लोग, धोए यहाँ पे, देखिए इस तरह का धोए तो ये अभी सूखेगा तो हम झाड़ू मार देंगे, नहीं तो लेसर आएगा। तो मेरा कपड़ा उपड़ा भी धुल गया था, सुबह धो लिए थे। इधर झाड़ू उड़ू मारेंगे, अभी बरसात हो रहा था, देख सकते हैं कितना ठंडा है। तो झाड़ू मारते हैं पहले तो बाहर का, क्योंकि बाद में काढ़ा धूप हो जाएगा। किचन भी साफ करना है हमको। वैसे तो हम सुबह दाल बना दिए हैं, दाल बनाया है मेरा कुकर में। पतला हो गया है दाल, पर दाल बन गया है। अभी देखते हैं चावल बनाएंगे वाला कुकर में, दाल चावल कर देंगे। दाल तो बन ही गया है, फिर घर का सफाई कर लेते हैं। तो मेरा बेटा भी सब बर्तन फैला के जाता है, अपना रूम में सब ले आता है, देख सकते हैं कैसा फैलाया है। तो अभी हम ये सब साफ करेंगे। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। पानी फूलने देते हैं, अभी हम चावल चुराएंगे पहले, ठीक रहेगा, हमको भी इसे भूख लग रहा है। जल्दी से सब झाड़ू मार लेते हैं, सरिया लेते हैं अपना रूम वूम भी, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर जाएंगे काम करने। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम अभी झाड़ू मारेंगे। पत्ता उत्ता इधर आया है इस तरह का।
इसको डस्टर में उठाएंगे। से इधर गेहूँ फैलाया है तो अच्छा से झाड़ू नहीं लगाएं क्योंकि छिट्टा पड़ेगा गंदगी का, क्योंकि खाने का चीज़ है ना, धो के लगाया है तो इसमें उठाएंगे दोस्तों, मैं उठाएंगे और डस्टबिन में डालेंगे। इधर मेरा डस्टबिन है, फिर नहाएंगे। नहाने के लिए पानी खोल देते हैं, बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। अभी 9 बज रहा है इसलिए भूख लग रहा है। सुबह नहीं खाए थे कुछ भी, इसलिए तो फटाफट पहले झाड़ू उड़ू मार लेते हैं रूम का, फिर नहा के फिर भगवान जी को थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो चावल भी चढ़ा ही देते हैं, फिर काम करते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कंबल उम्बल सरिया रहे हैं, बहुत ठंडा आ गया है। ठंडा आया नहीं है पर ठंडा लगता है। तो हम इस फोल्डिंग में सोते हैं, इससे मेरे रूम में एक और बेड है, चौकी है। तो ये फोल्डिंग हमको नीचे जो भैया लोग रहते हैं तो वो लोग को ऐसे ही खाली पड़ा था, तो मेरे घर में कोई आते हैं घर से तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। तो लेकिन हमको इसको इसमें सोने का ठीक लगता है तो हम इसमें सोते हैं। और मेरा बेटा का रूम में पहले से ही वो बेड था, वो यूज कर रहा है, उसका यूज हो रहा है वो मेरा बेटा का, उसमें सोने के लिए हो जाता है। और ऐसे चौकी मेरा है जो तो लगभग मैं मेरा बेड सरिया लिए, ये वाला बेड भी है। लेकिन इसमें जो रेल उल बनाते हैं ना तो कपड़ा निकालते हैं और रख देते हैं। अभी तो खैर रोज का कपड़ा भी वहाँ है तो सूखा है तो ऊपर से ऐसे ही रख दिए हैं, तो सबको सरियाएंगे अभी। तो कंबल को ही रख देते हैं साइड में, ऐसे हमको फोल्डिंग में ही हमको सोने के लिए सुविधा लगता है तो इसीलिए हम सोते हैं। ऐसे इसमें सोते थे लेकिन वो वाला जब से लगाए हैं तो उसी में सो रहे हैं। कोई चटाई में हम इसलिए बिछा के रखते हैं, कभी कभी इसमें एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और मतलब हमको ज़मीन में भी बैठने के लिए बहुत ही आराम लगता है। कुछ भी खाना पीना बैठ के खाते हैं ना तो इसी में खाते हैं। किचन रूम में वैसा बैठते नहीं हैं, बैठते हैं लेकिन खाना पीना का जो रहा तो अपना रूम में लेके आते हैं तो उसमें आराम लगता है हमको। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और रेडी भी हो गए हैं, बाल उल झाड़ लिए। देख सकते हैं कितना अच्छा धुआं उठ रहा है, भगवान जी पर खुशबू आ रहा है। तो पूजा पाठ भी हो गया, तैयार भी हो गया, लेकिन एक चीज़ बाकी है, खाना नहीं खाए हैं। और खाना खा के हमको 10 मिनट के अंदर निकलना है काम करने के लिए। और खाना आज बहुत ही अच्छा खाना बनाए हैं जो अपना मनपसंद है, दाल चावल और पापड़। आई गुपचुप पानी पूरी बनता है ना, उसका सूखा वाला था मेरे पास जो छान के घर में अपने से, वो वाला अच्छा लग रहा है। वाओ, मेरे बेटा को भी पसंद आएगा। दोस्तों भूख भी लगा हुआ है बहुत ज़ोर से, खाना वाना खा लेते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अपना खाना निकाल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं खूब ही बढ़िया खुशबू आ रहा है, बहुत ज़ोर से भूख भी लगा है। ये दाल है, दाल में मिर्ची का छौंका लगाए थे, ये हमको बहुत ही अच्छा लगता है, इसको निचोड़ेंगे। अब दाल हम ऐसे ही डाल दिए हैं कटोरी में, नहीं लिए कितना बर्तन ये करेंगे, अभी जल्दी जाना भी है। लहसुन का अचार है। तो दोस्तों बहुत ही खुशबू अच्छा आ रहा है और भूख भी बहुत ज़ोर से लगा है,
तो वीडियो में बने रहिए, खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हम खाना वाना खा लिए और मेरे पास फ़ोन आ गया कि जल्दी आ जाओ, तो हम निकल रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है और ताला वाला लॉक करके हम निकलेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाय बाय।